हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइने। और आज हम फिर से लेकर आ गए बी ब्लॉक को, जिसका हमें रिवीजन करना जरूरी है। आया मेरे हिसाब से बहुत दिनों से रिवीजन नहीं किया है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें अगर मेरे को लगता है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पता होना चाहिए, जिसका 1s, ns2, np1 से लेके 6 तक होता है। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मेटल्स के अंदर पी ब्लॉक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मेटल भी देखने को मिलते हैं, मेटलॉइड्स भी, और नॉन मेटल तो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज की अभी हम बात करेंगे, पहले हम साइज की बात करेंगे। साइज में आपको बता दिया था मैंने, आप डाउन द ग्रुप आपका जाओगे तो साइज इंक्रीज होगी। बस आपका जो है 13 पीरियड में आपको देखने को मिला था गैलियम और एल्युमिनियम में ट्रांजिशन एलिमेंट देखने को मिले थे, क्योंकि यहाँ पे पुअर शीटिंग ऑफ द टी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है गैलियम में। जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट टू द साइज ऑफ द गैलियम। यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है गैलियम का, तो उसकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका ऑर्डर इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से इसकी साइज का ऑर्डर बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा, लास्ट में जो है आपको डाउन द ग्रुप आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वही चीज है, बस आपका जो है लास्ट फिफ्थ वाले पीरियड, लास्ट वाले जो पीरियड में लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है थेलियम और पीवी। मतलब पीवी का मतलब यहाँ पर क्या होता है बता सकते हैं आप? ठीक है, इनके जो पीरियड्स के नाम है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थैलियम और लेड की यहाँ पे बात करेंगे हम, तो थैलियम और लेड के अंदर आपको देखने को मिलता है लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जरूर देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपकी बात करेंगे बोरॉन। बोरॉन के बाद डायरेक्ट आपका क्या क्या, यहाँ पे थेलियम, थेलियम के बाद आपका गैलियम, और गैलियम के बाद आपका या एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला साइज इसलिए मैंने लिखवा दिया क्योंकि आपको ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन भी लगेगा और यहाँ पे नीचे लैंथोनाइड कॉन्ट्रेक्शन भी लगेगा। 14 ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, लेड आ गया, फिर टिन आ गया, लेड आ गया, फिर टिन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। देख लिया था हमने, इस तरीके से मैंने बताया था, सेम ये आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इधर भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट पीछे चला गया। इस तरीके से आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पीरियोडिक टेबल में एक साथ बात कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि डेंसिटीज की अगर मैं बात करूंगा, 13 से लेके 18 तक आपकी आ जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है 13 से लेके 18 तक, याद रखना आपको। डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, अगर आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नोट में लिखवा देता हूँ, अगर आपका कार्बन, अगर आपका डायमंड होगा तो डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है सिलिकॉन से, तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे जी अलग हो जाता है, पर अगर ग्रेफाइट होगा तो डाउन द ग्रुप आपकी डेंसिटी बढ़ती है। तो आपको डायमंड वाला चीज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है इसमें। 13 और 14 में क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप आपका बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होता है, वो 15, 16, 17, 18 में क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका आगे बढ़ते हुए जाता है। बस इसमें एक चीज यहाँ पे याद रखनी, थेलियम, थेलियम और यहाँ पे आएगा थेलियम के साथ आपका ये क्या होगा, आपका पीओ, मतलब पोलोनियम, थेलियम टिलीरियम है, थेलियम है, टिलीरियम है, ये टिलीरियम है आपके ऑक्सीजन ग्रुप के ये, और मतलब ये और ये sp क्या दे रखा है आपको, ये एंटीमनी दे रखा है, और बिस्मिथ की यहाँ पे बात कर रखा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप में आपको लास्ट वाले ग्रुप में आपको क्या देखने को मिलता है, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इन 16 और 15 में भी देखने को मिलता है, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, थेलियम ऊपर आ जाता है, और ये थेलियम बोल रहा हूँ मैं, टेलीरियम पहले वो आ जाता है प्लूनियम से। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाना चाहिए, पुलिरियम ज्यादा होना चाहिए था, पर यहाँ पे थेलीरियम ज्यादा आ जाता है और बिस्मिथ ज्यादा आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या जाता है, एंटीमनी ज्यादा आ जाती है, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि आपका 14, 13, 15 में आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, 15, 16, 17, 18 में डाउन द ग्रुप आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बस उसमें तो एक और एक्सेप्शन है आपका, कहाँ पर, कार्बन फैमिली के अंदर लास्ट में और नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट में आपका आ जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम याद रखना है। 1 वाला आपका मैक्सिमम है, 5 वाला आपका मिनिमम है, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम आपको याद रखना है। तो इसमें देख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इस तरीके से देखने को मिलता है, तो बोरॉन की सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे मैक्सिमम मिनिमम से लेके मैक्सिमम में जाएंगे, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक बेरियम आ जाएगी, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगी मेल्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी इंडियम, ये सॉरी थेलियम, थेलियम, फिर आपका थेलियम के बाद फिर इंडियम,
फिर आपका गैलिडोनियम इस तरीके से आ जाएगा। कार्बन की देख लेते हैं, कार्बन, सिलिकन, और उसके बाद आपका आ जाता है जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम आ गया। फिर उसके बाद आपका लेड, लेड आ जाता है, लेड आ जाता है, और उसके बाद आपका आ जाता है SN, मतलब आपका टिन, क्या आ जाता है, टिन। उसके बाद नाइट्रोजन की देख लेते हैं, उसमें आ जाता है आर्सेनिक, सबसे पहले आ जाता है आर्सेनिक का, सबसे ज्यादा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। फिर आर्सेनिक के बाद आपका आ जाते हैं, आर्सेनिक के बाद आपके आ जाते हैं SB, मतलब आपका एंटीमोनी, एंटीमोनी SB का मतलब एंटीमोनी। फिर आपका आ जाता है बिस्मिथ, बिस्मिथ आ जाता है, बिस्मिथ आ जाता है, बिस्मिथ के बाद आपका आ जाता है फॉस्फरस, फिर आपका नाइट्रोजन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रख लेना। उसके बाद अगर मैं कहा ऑक्सीजन फैमिली में बताता हूँ, आपके आ जाता है वहाँ पे टेलीरियम पहले आ जाता है, फिर उसके बाद पोलोनियम, पोलोनियम आ जाता है, उसके बाद सॉरी मैं ज्यादा लिख दिया यहाँ पे, पी लिखना चाहिए था, पोलोरियम, 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 उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद क्या आ जाता है, सेलिनियम, सेलिनियम, सेलिनियम की यहाँ पे बात करूंगा, सेलिनियम की यहाँ पे बात करूंगा। उसके बाद में आ जाता है सल्फर, सल्फर के बाद में आ जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, तो गैलियम, SN, इस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इनके जो है मैक्सिमम और मिनिमम याद रखने हैं। आई होप सो याद रखोगे, बार बार इसका रिविजन करोगे तो आपको आ जाएगा। और 17 और 18 ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, आपको याद रखनी है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आई होप सो आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, बोरॉन की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, टेलिडियम, उसके बाद आ जाता है फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर कार्बन की ज्यादा होती है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर उसके अंदर आ जाता है लेड, और फिर टिन, ठीक है। फिर उसके बाद आर्सेनिक उधर देखने को मिल जाएगा, आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ, फिर आपका फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, उसके बाद में आ जाता है टेलुरियम और पोलियम, फिर उसके बाद सेलिनियम, फिर उसके बाद आपका सल्फर, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से मैंने याद कर ली, मुझे तो याद हो गई, मैं बिना देखे भी इनको अभी लिख सकता हूँ, ठीक है। इनर पेयर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसके आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा, क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है, गारंटी से लिख लो। इनर पेयर क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, NS इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो 13-14 में हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट आपका 14 देखने को, +3 देखने को मिलता है, लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट +1 देखने को मिलता है। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में क्या होता है, NS इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है NP इलेक्ट्रॉन में, इन केस ऑफ पी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है, एग्जांपल आ जाता है NP1 NS2, इस तरीके से देखने को मिलेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दो तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आना शुरू हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो ऐसे भी याद कर लोगे। 14 में +4 होता है, फिर +2 होता है, 15 में आपका +5 होता है, फिर 3 होता है, इस तरीके से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करनी है। आई होप सो आपने कर ली होगी, ठीक है। 13 ग्रुप में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, 14 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और 15 में लोअर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिलती है। उसके बाद ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द DNF इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पे हेवियर एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक के अंदर टेंडेंसी होती है NS इलेक्ट्रॉन पेयर में पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में तो डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द DNF इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे हेवियर एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक, उसके अंदर टेंडेंसी होती है NS इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने में केमिकल बॉन्ड रिएक्शन में डिक्रीज होकर, दिस नोन एज अ इनर पेयर इफेक्ट। क्या होता है, इनर पेयर इफेक्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इनर पेयर इफेक्ट कहते हैं। दैट्स वाई द स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मूविंग डाउन द ग्रुप ज्यादा देखने को मिलती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कम हो जाती है। इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, हैवियर मेंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है बाय द 2 यूनिट, ठीक है। 13 ग्रुप में देख लेना आपको इस तरीके से, अगर आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट करते हो वहां पे अगर टॉप से बॉटम जाते हो तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है।
अगर आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हो तो आपको टॉप से बॉटम जाते हो तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो इसको इस तरीके से आप, मैं आपको पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की वजह से आती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर की वजह से आती है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, पर लोअर ऑक्सीडेशन में ऊपर से नीचे जाओगे तो नीचे ही जा रहे हो, लोअर में ही जा रहे हो, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। सेम आप 14-15 के लिए याद कर लेना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉमस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक। इसमें आ जाता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ जाता है। रीजन क्या है, इसके अंदर स्मॉल साइजेस देखने को मिलते हैं, हाई ई एन देखने को मिलता है, हाई आई ई देखने को मिलती है, एबसेंस ऑफ द वैकेंटी ऑर्बिटल। और भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप एनसीईआरटी में से देख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ रही है तो जब मेरे को देखने को मिल जाएगी तो मैं इसमें एड ऑन आपको एड ऑन करके यहाँ पे लिखवा दूंगा, जिसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनना शुरू हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और ग्रुप के बारे में बात करेंगे। 13 ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, 13 ग्रुप को इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपको एलिमेंट दे रखा है बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम, इंडियम, ये आपके एलिमेंट आ गए। अगर मैं इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, पहला ग्रुप बोरॉन का एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम आपका एम्फोटेरिक देखने को मिलता है, फिर इंडियम और थेलियम की अगर मैं बात करूंगा आप पे आपको बेसिक नेचर देखते हैं O2 माइनस के साथ। अगर आपका N2 के साथ बनेगा तो नाइट्राइल्स ग्रुप बनेंगे, X2 मतलब आपको पता है हेलोजन होता है, X3 बनेगा। ठीक है, Cl(I3) आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज यहाँ पे पता नहीं मैंने क्यों लिख दी है, तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। BF3, BCl3, BI3, AlCl3, AlI3 इस तरीके से एक्सेट्रा आपको देखने को मिलता है। B के साथ F का ही बनने को, नीचे अगर और जाओगे तो आपका सिर्फ BBr3, BCl3 इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 14 ग्रुप की, आपके 13 ग्रुप का पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। 14 ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे E+O2 जो है ऑक्सीजन के साथ +2 ऑक्सीजेशन और +4 में देखने को मिलता है ऑक्सीजन के साथ, तो जो इसके अंदर +2 और +4 देखेंगे CO, CO2, SiO, SiO2, इसके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिलती है। जर्मेनियम O2 के अंदर देखने को मिलता है आपको GeO2, ठीक है, उसके बाद SNO, SNO2, PbO, PbO2, ये आपके SN और PB की अगर बात करूँ ये आपके एम्फोटेरिक हो गए सारे ही सारे, जर्मेनियम और ये सारे आपके एसिडिक हो गए, और CO आपका कैसे हो गया, न्यूट्रल ग्रुप हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको एसिडिक एम्फोटेरिक भी याद रखने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ EX2 के साथ आपका EX2 जो कि +2 में स्टेबल हो जाता है और +4 में डाईहैलाइड बनते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बनता है, तो डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज होता है, क्या होता है डाउन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने पहली बात की थी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोवेलेंट इन नेचर, बट सारे ही जो इतने इनके अंदर एलिमेंट जो बनेंगे आपके सारे ही कोवेलेंट इन नेचर है, बट इनके अंदर PbF4 और SnF4 की अगर मैं बात करूंगा, PB क्या होता है आपका लेड होता है और SN आपका टिन होता है, तो PbF4 और SnF4 आपके आयनिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, इसके ऊपर कभी कभी अजर्शन रीजन पूरे इसके अंदर आ जाते, तो प्लीज इसको याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं H2 के साथ आपका नो रिएक्शन हो जाता है, मेरा जो है लेड के मैंने सोचा था कि आपका रिएक्शन कर जाएगा H2 के साथ, पर इसके अंदर एक ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये भी नहीं करता है, पर अगर मैं इनको स्टीम के अंदर डाल देता हूँ तो रिएक्शन की पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 ग्रुप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 15 ग्रुप, कैसे करोगे, इसके अंदर +3 और +5 ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहे हैं आपको। अगर O2 N और P के साथ करोगे तो एसिडिक होगा, एस एस ए एस और एस B के साथ अगर आपका एम्फोटेरिक, Bi के साथ आपका बेसिक, इस तरीके से आ जाएगा। X2 के साथ करोगे तो आपको कोवेलेंट कैरेक्टर EXY का ज्यादा देखने को मिलेगा। NX3 डजंट एग्जिस्ट, NX3 मतलब नाइट्रोजन के साथ कोई भी फ्लोरीन 3 के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम कोवेलेंसी आपके कैन बी 4 ही हो सकती है। ठीक है, EX3 की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, इसकी बात कर रहा है, उसके अंदर कोवेलेंट होता है, बस BiF4 आपका कोवेलेंट नहीं होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, BiF4 आपका कोवेलेंट नहीं होता, ये आयनिक की नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो NX3 एंड ओनली NF3 स्टेबल, जैसे मैंने बताया NX3 में आपका सिर्फ NF3 स्टेबल है, बाकी सब हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर होते हैं, तो ये डजंट एग्जिस्ट करता है, NX3 एग्जिस्ट नहीं करता है, पर NF3 में स्टेबल हो जाता है। ठीक है, N2 की प्रिपरेशन देखने ना, प्योर फॉर्म में आपका बेरियम, एल्यूमिनियम हीट कराओगे तो आपको N2 मिल जाएगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। N2 कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, डायमैग्नेटिक होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर 3 होता है। ठीक है, और इनर्ट होता है एट द रूम टेम्परेचर में, इनर्ट होता है यूजिंग रिएक्टेंट, इनर्ट मीडियम यूज करता है ड्यू टू द हायर बॉन्ड एंथैल्पी देखने को मिलती है इनके अंदर,
हाई बॉन्ड इंथैल्पी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हाईएस्ट बॉन्ड इंथैल्पी देखने को मिलती है। इनर्ट हो जाता है हाई रूम टेम्परेचर के, रिएक्ट कर जाता है इनर्ट मीडियम में। हाँ, ड्यू टू द वेरी हाई बॉन्ड इंथैल्पी इनके अंदर देखने को जरूर मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल की। अगर मैं बात करूंगा मेटल विद एन टू की बात करूंगा, मेटल नाइट्राइड्स बनेंगे। एन टू प्लस ओ टू की अगर मैं बात करूंगा, एनओ बन जाएगा। और N2 के साथ H2 वगैरह 200 केल्विन के साथ तो अमोनिया बनेगा हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। ये भी आपको याद रखना है। फॉस्फरस की कुछ रिएक्शन दे रखी है आपको, जैसे कि इस तरीके से पी नॉट के आपके NaOH के साथ आपका PH3 NaH2 PO3 देखने को मिलेगा। PCl3 PCl5 आपको, अगर Cl2 आपका एक्सिस में नहीं है तो PCl5 बनेगा, सॉरी PCl3 बनेगा, एक्सिस में है तो आपका PCl5 बनेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद वो P4 के साथ O2 अगर जाएगा तो पूरा O2 खा जाएगा, P4 O10 हो जाएगा। अगर N2 लगा दोगे तो सिर्फ कुछ ही खा लेगा, P4 O6 बन जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। 16 ग्रुप की बात करेंगे। 16 ग्रुप में आपका O2 के साथ आपका आ जाता है E+4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। ऑल आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? मेरे सारे ही एसिडिक इन नेचर होते हैं। उनके अंदर SO2+4 वाले जो कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। SE की बात कर रहा है। S आपका सल्फर हो जाए, ऊपर वाला ग्रुप जो कि रिड्यूसिंग हो जाता है। नीचे अगर जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिलिरियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, +6 ज्यादा होती है। डिलिरियम आपका +2 में ज्यादा स्टेबल होता है +4 के कंपैरिजन में। ये चीज आपको याद रखनी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है। X2 के साथ अगर आप करोगे तो X2 AX4 EX6 इस तरीके से, ओनली EX6 ही स्टेबल, यहाँ पे EF6 ही स्टेबल होते हैं, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं होता स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। इनके अंदर XP-D3 देखने को मिलता है। EX4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, SP3-D3 सी सॉ शेप बद देखने को मिलता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में देख लिया था। O2 की अगर मैं बात करूँ, डाई ऑक्सीजन गैस, पैरामैग्नेटिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस। कैसा है? कलरलेस ऑर्डरलेस, ये आपको याद रखना है। स्मॉल स्केल से करोगे तो आपको KCLO3, K2Cr2O7, KMnO4 से आपको O2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। KCLO3, K2Cr2O7, KMnO4 से आपको हीट जब करोगे तो आपको O2 देखने को मिल जाएगा। लास्ट स्केल में कैसे करते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, वाटर के अंदर H2 गैस कैथोड के अंदर देखने को मिलता है, N2 O2 माइनस जो कि O2 एनोड के अंदर देखने को मिलता है। एयर से करोगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, तो इस तरीके से आपने जब डिहाइड्रेशन एजेंट डाले तो O2 हट गया, उसके बाद आपने एसिड डाल दिया तो आपका बेस डाल दिया तो एसिड हट गया, जब उसके अंदर लिक्विडेशन किया तो नाइट्रोजन और O2 आपको देखने को मिला, लिक्विड फॉर्म में कर दिया इनको। जब आपको डिस्टिलेशन किया तो पहले डिस्टिल N2 पहले डिस्टिल कर दिया, नीचे रिमेनिंग आपको O2 मिल गया। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। O3 की अभी हम बात करते हैं, O2 की बात कर ली। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इनका 1.5 देखने को मिलता है। एलोट्रॉप होते हैं SO2 के, वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हो? आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 से लेकर बॉन्ड ऑर्डर 3 चले जाता है। पॉजिटिव डांस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट ज्यादा लगती है। डिकम्पोजिशन ऑफ O3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है गैलियम आपका डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टिनियस देखने को मिलती है। डेल्टा इज नेगेटिव मतलब आपका एक्सोथर्मिक, यहाँ पे हीट रिलीज होती है O3 से जब O2 में चले जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन की। अगर मैं बात करूंगा O3 की तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केबल टू रिलीज द नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या जाता है? कैपेबल होता है रिलीज करने में नेसेंट ऑक्सीजन। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है रिएक्शन विद O3 की अगर मैं बात करूंगा। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैपेबल टू रिलीज द नेसेंट ऑक्सीजन, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कलर सब्सटेंस और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा, कलरलेस हो जाता है, यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैपेबल ऑफ टू रिलीज द नेसेंट ऑक्सीजन, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कलरफुल सब्सटेंस देखने को मिलता है O2 के साथ, तो ये कलरलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज O3 की हमने प्रॉपर्टी देख ली। दिस रिएक्शन डिप्लीटिंग एनओ एग्जॉस्ट द सुपरसोनिक जेट में देखने को मिलता है। 17 ग्रुप देखते हैं अभी हम, इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारा। O2 के साथ अगर करोगे तो ऑक्साइड मोस्टली अनस्टेबल होते हैं आपके। F2 और O2 F3 O2 F2 देखने को मिलता है। दे आर एसेंशियल फ्लोराइड ऑफ द ऑक्सीजन। EN फ्लोरिंग की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से, ठीक है।
उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट देखने को मिलता है आपको, यूज टू रिकवर द पीयू फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, यूज टू रिकवर द पीयू फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर देखने को मिलता है, इन फॉर्म ऑफ द P4F6 के अंदर आपको देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं Cl2 की, अगर मैं बात करूंगा Cl2O, Cl2, Cl2O6 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा लैग हो रहा है मेरा, आपको ब्लर दिख रहा होगा। Cl की अगर मैं O2 के साथ करता हूँ तो आपका Cl2O, ClO2, Cl2O6, ClO7 ये सब देखते हैं, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्सप्लोजिव होते हैं। ब्रोमीन की अगर मैं बात करूंगा ये भी वेरी वेरी लेस स्टेबल हो जाते हैं, ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ बहुत ही लेस स्टेबल हो जाते हैं। आयोडीन की अगर मैं बात करूंगा सॉलिड कलरफुल हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, यूज इन एस्टिमेशन ऑफ CO, तो इसमें क्या आ जाता है आपका आई का ज्यादा आ जाता है, फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन आ जाता है इधर, इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने। हाँ ये देखो यहाँ पे लिख दिया है, ऑक्साइड की बात करेंगे हम तो इस तरीके से आपको देखने को मिल गया ऑक्साइड्स की आई आई की ज्यादा होती है क्लोरीन और ब्रोमीन के थ्रू, आपको याद करनी है। थोड़ा सा लैग कर रहा है ये, आई डोंट नो व्हाई, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये मेरे को थोड़ा लैग दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ खुद हैलोजन को हैलोजन के साथ कराओगे तो इंटर हैलोजन बनते हैं आपके, इस तरीके के ग्रुप बनते हैं, ये सारे ही पोलर होते हैं, ठीक है। 3 बनता है, X5 बनता है, X7 बनता है, सारे ही पोलर होते हैं, नॉन पोलर नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। रिएक्टिव ऑक्सीडिटी की अगर मैं बात करूंगा, रिएक्शन जो कि ऑक्साइड्स के साथ अगर मैं करता हूँ तो ये आपको याद रखना है कि आपका फ्लोरिन का ज्यादा होता है, फिर इंटर हैलोजन आते हैं, फिर अदर हैलोजन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसका Cl2 की अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूंगा, हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2, Cl2 और Br2 आपको ज्यादा देखने को मिलता है, फिर I2 देखने को जरूर से ज्यादा मिलता है। हैलाइड्स की अगर मैं बात करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, इस तरीके से आपको याद रखना है, F-Cl- वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, Br-I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, बता दी F2, Cl2, Br2, I2, इस तरीके से आपके आगे हैलाइड्स में आपका जो है मैंने भी बता दिया। डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ द Cl2 एंड Br2 की अगर मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन करता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कभी कभी आपकी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, तो 2 मिनट रुक जाइए। Cl2 की मतलब मैं आपको वजह से बता रहा हूँ कि Cl2 का आपका क्या जाएगा, H2 के साथ करेगा, HCl, HOCl, इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। डाइल्यूट और कोड NaOH लोगे तो NaCl और NOCl के अंदर टूटेगा। अगर आपको कंसेंट्रेटेड और हॉट NaOH लिखा, NaCl और NaCl O3 आपको देखने को मिलता है, सेम फॉर ब्रोमीन, सेम फॉर ब्रोमीन, बेसिक मीडियम ज्यादा हो जाएगा तो NaCl O3 के फॉर्म में टूटेगा, इसी के साथ आपका देखने को मिल गया। उसके बाद क्लोरीन का प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा, Cl2 का प्रिपरेशन की यहाँ पे बात करूंगा, तो Cl- आपका देखने को मिलता है, KMnO4 में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, MnO4 में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्या देता है Cl2, 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 ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी आप इसका यूज करते हो, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। KMnO4 आपका Cl2 देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, KMnO4+4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 देता है, E2 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में Cl2 देता है। इंडस्ट्रियल में Cl- की अगर मैं बात करूंगा, CaCl2O2 के साथ आ जाता है, Cl2 आपका कैसा था, डीकम्पोजर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो Cl2 आपका गैस एनोड के अंदर आ जाता है, ठीक है। Cl- से Cl2 बन जाता है, Cl2 Cl2 वगैरह बनता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, E2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2 बनेगा, Cl- आपका Cl2 डीकम्पोजर, Cl2 गैस एनोड के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर देखने को मिलता है। अगर Cl की मैं अमोनिया के साथ अगर करवाता हूँ तो अगर आपका Cl अगर आप एक्सिस में लेते हो, Cl क्या लेते हो, एक्सिस में लेते हो तो आपका NCl3 और HCl देखने को मिलता है। अगर आप अमोनिया को एक्सिस में लेते हो तो आपको N2 देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अमोनिया को एक्सिस में लेकर तो HCl और NH3 बच जाएंगे तो NH4Cl में टूट जाएंगे। इसी के साथ आपका पूरा P ब्लॉक एलिमेंट, नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। और F माइनस एक्सचेंज की अंदर अगर बात करेंगे तो आपका F माइनस डोनर की तरह कब करता है, अल्कली मेटल के अंदर करता है और एक्सेप्टर के टाइप में कब करता है। अल्कली मेटल आपको पता है ना कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये आपके 1s वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। और आपके अर्कली अर्थ मेटल होते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और बेरियम,
वो इस बार सिलेबस हटा दिए तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। फ्लोरीन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ, एफ माइनस टोनर आपका अल्कली मेटल होता है, एफ माइनस एक्सेटर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ आपका पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे खत्म होता है गाइस, पी ब्लॉक का पूरा शॉर्टनेट यहाँ पे खत्म होता है। एक और बार इसके रिविजन करेंगे, एन नंबर ऑफ टाइम हम रिविजन करेंगे ताकि हमें कंटस हो जाए, ठीक है, याद हो जाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।